हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ब्रजेश दुबे, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 से साइंस का न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, दैट इज विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट एयर प्रेशर के बारे में। देखेंगे कि एयर प्रेशर किसे कहा जाता है और किस तरीके से एयर जो है प्रेशर एग्जर्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में। इसके अलावा बच्चों, हम इस लेक्चर के अंदर में सारी एक्टिविटीज 8.1 से लेकर के 8.6 तक सभी इसके अंदर में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए हमारे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं एयर किस तरीके से प्रेशर एग्जर्ट करती है। उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि हमारे चैनल के ऊपर में सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। आपको जो भी टॉपिक देखना है बस उस टॉपिक का नाम लिखना है और सर्च मारना है बाय स्टार एजुकेशन, या तो फिर आप पूरा का पूरा चैप्टर लिखिए, क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी देखना है उसके आगे लिख दीजिए बाय स्टार एजुकेशन, तो आप उन सभी लेक्चर्स को देख पाएंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं कि एयर प्रेशर किसे कहा जाता है। ठीक है, सो एयर एग्जर्ट प्रेशर। बच्चों, इससे पहले बच्चों थोड़ा सा डिस्कशन कर लें कि हम सभी ने पतंग उड़ाई है, ऐसे तो हम सभी जानते हैं पतंग को हम जब खींचते हैं तो क्या होती है, वो और ऊपर चढ़ती है। ठीक है, उसी के उसके अलावा अगर हम देखें तो मंदिर के ऊपर में जो झंडा बांधा रहता है वो भी किस तरीके से लहराता है। जब एयर ब्लोक होती है तो सारे जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं किस तरीके से हिलते हैं, ऐसे तो बच्चों ये सब किस वजह से होता है, तो ये ऐसा कोई रीजन होगा कि जिससे एयर जो है उन सभी को एक दिशा में, एक किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है खींचती है, ऐसे तो इस चीज को क्या कहते हैं बच्चों, तो दैट इज एयर प्रेशर। अब एयर प्रेशर किसे कहा जाता है, इसको हम एक डेफिनेशन के थ्रू स्टडी करेंगे। चलिए, सो एयर प्रेशर रिफर टू द फोर्स एग्जर्टेड पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस बाय द एयर दैट इज डायरेक्टली अबव दैट सरफेस। सो बच्चों, एयर प्रेशर किसे कहा जाता है, एयर प्रेशर वो है किसी पर्टिकुलर या फिर पर यूनिट एरिया पर जो एयर के द्वारा लगने वाला जो फोर्स है, एयर के द्वारा जो लगने वाला फोर्स है किसी पर यूनिट एरिया सरफेस के ऊपर में बच्चों, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं एयर प्रेशर कहते हैं। और ये जो एयर प्रेशर होता है बच्चों, या तो फिर ये जो फोर्स होता है वो ऑलवेज उस सरफेस को कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है बच्चों, उसके अबव होता है हमेशा। ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर में जब एयर का प्रेशर लगेगा तो हमेशा ऐसे लगेगा, या तो फिर ऐसे होगी तो फिर इस तरीके से इसका प्रेशर लगेगा, अगर ऐसे नहीं लग रहा तो एयर का प्रेशर भी उस पर नहीं लग रहा है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम देखते हैं आगे, इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं, दैट इज एक्टिविटी 8.1। ठीक है, अब इस एक्टिविटी में आपको दिया क्या गया बच्चों, देखिए, पोर वाटर इनटू अ मेटल कैन एंड बॉइल ओवर अ स्टोव कीपिंग द कैन अनकवर्ड। तो बच्चों आपको एक मेटल का कैन ले लेना है, उस मेटल के अंदर में हाफ वाटर भर देना है और उसको हाफ जो है खाली रखना है। ठीक है, अब उसके ऊपर में आपको क्या करना है, उसके ऊपर में आपको लीड नहीं लगाना है, कवर नहीं करना उसको, बस ऐसे उसको जस्ट बॉइल कर देना है। उसके बाद क्या करना है, After boiling 2 to 3 minutes, cover the can with a lid. अब 2 से 3 मिनट आपको उसको गर्म करने के बाद में, बॉइल करने के बाद में उस वाटर को बच्चों क्या करना है, उसको आपको लीड से कवर कर देना है। किसे कवर कर देना है, लीड से उसको कवर कर देना है। ठीक है, यूजिंग टॉन्ग्स केयरफुली प्लेस द कैन इन द सिंक। अब आपको टॉन्ग का यूज करना है बच्चों, उस कैन को उठा करके केयरफुली आपको सिंक के अंदर में रखना है। देखो बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है इसको समझना, जस्ट आपको क्या करना है, उसको हटा करके एक सिंक के अंदर में इसको बस रख देना है। ध्यान ये रखना है बच्चों कि भाई आपने उसको गर्म किया, अच्छे से बॉइल किया वाटर, तो वो जो कैन है वो कैन काफी ज्यादा हॉट होगी, तो इसके लिए आपको उसको डायरेक्टली नहीं टच करना है, उसको उठाने के लिए आप टॉन्ग्स का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, सिंक में रखने के बाद में क्या करना है बच्चों, पोर कोल्ड वाटर ओवर इट। अब सिंक में रख दिया तो उसके ऊपर में ठंडा पानी जो है उसको डालना है, या फिर कोल्ड वाटर में थोड़ा सा शावरिंग करना है। चलिए, इतना किया हमने, अब उसके बाद में होगा क्या ये देखते हैं। ठीक है, सो ऑब्जर्वेशन बच्चों, वाटर वेपर कंडेंसेस व्हेन कूल्ड। तो बच्चों जो वाटर वेपर होती है उसके अंदर में वो क्या होती है, वो कंडेंसेस होती है। ठीक है, यानी कि संघनित होती है। ठीक है, कंडेंसेस, ओके, ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ऐसा क्यों होता है, इट हैज मोर प्रेशर। अब बच्चों यहां पर जो होता है काफी इसमें प्रेशर होता है, किसके अंदर में, जो उसमें वाटर की जो वेपर रहती है ना उसमें ज्यादा प्रेशर होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, therefore when cooled the vapor condenses reducing the pressure। तो बच्चों यहां पर क्या होता है कि जब हमने उसके ऊपर में कोल्ड वाटर डाला तो वहां पर जो वाटर की वेपर थी वो कंडेंस हो गई, कंडेंस होने की वजह से बच्चों उसका प्रेशर जो है एकदम से सडनली क्या हो जाता है, लो हो जाता है। क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ओके, दिस कंप्रेसेस द मेटल कैन, और इस वजह से बच्चों क्या होता है कि मेटल की जो कैन है वो क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है।
ठीक है, therefore air exerts pressure, तो इससे पता चलता है बच्चों की क्या होता है, air जो है वो pressure exert करती है। अब देखिए यहाँ पर figure के थ्रू इसको समझते हैं। यहाँ पर metal की can रखी हुई है, हमने यहाँ पर उसको अच्छे से गर्म किया, ठीक है, इसको अच्छे से हमने यहाँ पर गर्म किया। अब अंदर का water जो है पूरी तरीके से क्या होने लगा, boil होने लगा और vapor निकलने लगी। अब इसको क्या करना है, lid लगा देना है, ठीक है, और उसके बाद में उठाकर इसको हम सिंक में जैसे रखते हैं और ऊपर से कोल्ड वाटर जैसे उसमें डालते हैं। बच्चों होता क्या है, अंदर में जो वेपर्स रहती है ना, वो उसकी ऑल ओवर सरफेस के ऊपर में बहुत ही ज्यादा प्रेशर लगाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये सभी जानते हैं कि वाटर जितनी प्लेस जो है ऑक्यूपाई करता है, उससे ज्यादा प्लेस जो है वो उसकी वेपर ऑक्यूपाई करती है, या तो फिर एयर ऑक्यूपाई करती है, इज इट। So, जब वो उसको ज्यादा स्पेस से बच्चों, तो उसके ऊपर क्या करेगी, उसको पुल करेगी, चारों तरफ से क्या करेगी, पुल करेगी, धक्का लगेगी, मैं कहां से बाहर निकलूं। बट जैसे ही हम उसके ऊपर वाटर डालते हैं बच्चों, तो क्या होता है, वो कंडेंस हो जाती है पूरी, और सडनली उसका प्रेशर एकदम क्या हो जाता है, लो हो जाता है बच्चों, जिसकी वजह से जो पूरी बॉटल है वो कैसे हो जाती है बच्चों, पूरी बॉटल जो है वो कंप्रेस हो जाती है। इस एक्टिविटी से ये पता चलता है कि एयर जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है, इज इट क्लियर नाउ। चलिए उसके अलावा बच्चों यहाँ पर हम और दो तीन एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ओके, साइक्लिंग और रोलिंग अगेंस्ट द विंड इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर एग्जर्टेड बाय एयर। तो जब भी हम साइक्लिंग कर रहे होते हैं या तो फिर बाइक जो है चला रहे होते हैं, तो अगर हमारे सामने से अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमारे बच्चों एयर अगर है उसकी डायरेक्शन, तो क्या होगा, हमारे ऊपर प्रेशर लगेगी जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है साइकिलिंग करने के लिए, इज इट। वैसे अगर हम बात करते हैं बोट में, अगर हम जा रहे हैं तो बोट की अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर एयर आ रही है, तो भाई बोट को आगे ले जाना काफी मुश्किल होता है। बट जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है, अगर उसी डायरेक्शन में एयर भी है, तो वो बोट को काफी कम मेहनत से भी आगे लेकर के जाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर फिल्ड विद एयर देयर बाय एग्जर्टिंग प्रेशर। सो जो टायर्स होते हैं, जब भी हमने साइकिल की बात की, साइकिल के टायर के अंदर में जो उसमें ट्यूब होती है बच्चों, उसमें क्या भरी जाती है, एयर भरी जाती है। तो वो एयर क्या करती है, उसकी ऑल ओवर जो सरफेस होती है जो ट्यूब की, उस पर क्या करती है, प्रेशर एग्जर्ट करती है। जब उसमें प्रेशर एग्जर्ट करती है ना बच्चों, तो क्या हो जाता है कि वो जो ट्यूब है पूरी तरीके से चारों तरफ से फूल जाती है, ठीक है, और उसको आसानी से हम रोलिंग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर देम टू होल्ड एंड कैरी वेट। बच्चों इसके वजह से क्या होता है कि इसको भाई होल्ड कर सकते हैं और ये जो है वेट कैरी कर सकती है, क्योंकि उसमें काफी प्रेशर से उसमें एयर जो है भरी गई है, किसके अंदर में, उस ट्यूब या टायर के अंदर में, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर काफी हम वेट लगाते हैं, तो वो भी क्या उनको वो फेस कर सकती है, बिकॉज वो ऑलरेडी अंदर से प्रेशर लगा रही है बाहर की तरफ में, इसलिए बाहर से भी अगर प्रेशर लगाते हैं तो क्या हो जाता है, वो इक्वली हो जाता है लगभग। इज इट क्लियर ना बच्चों की एयर जो है प्रेशर एग्जर्ट करती है। इस चीज को समझने के लिए चलिए हम नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे स्टडी करते हैं। सो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी क्या कहती है। सो हम देखने जा रहे हैं, हाई स्पीड विंड्स आर अकंपनीड बाय रिड्यूसिंग एयर प्रेशर, और एक्टिविटी 8.2 की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यह क्या इंडिकेट करती है बच्चों, इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि भाई जो हाई स्पीड विंड होती है, अगर वो ब्लो होती है, तो उसके साथ में प्रेशर को रिड्यूस करती है, इसको हम देखेंगे। चलिए तो एक्टिविटी के द्वारा इसको समझते हैं बच्चों। प्लेस अ स्मॉल पेपर बॉल इनसाइड द नेक ऑफ अ ट्रांसपेरेंट बॉटल एंड फोर्सफुली ब्लो एयर इनटू इट। अब बच्चों क्या करना है आपको, इस तरीके से एक बॉटल ले लेना है, बॉटल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है, अगर नहीं ट्रांसपेरेंट होगी तो भी उसमें एक्टिविटी होगी, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए अब क्या करना है आपको, यहां से इसमें इसको ब्लो करना है। जब आप इसको ब्लो करेंगे बच्चों, तो ये जो पेपर पीस है अंदर जाता है कि नहीं जाता है, इसको आपको ऑब्जर्व करना है। ऑफकोर्स आप लोगों में से कई सारे कहेंगे ये जो अंदर पेपर का पीस है, ऑफकोर्स जब ब्लो करेंगे तो अंदर चला जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, ये पेपर पीस जो है वो बाहर निकल आता है, बाहर की तरफ गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है, चलिए इसको हम देखते हैं। सो ऑब्जर्वेशन बच्चों, ऑब्जर्वेशन क्या होगा, इट इज ऑब्जर्व दैट इट इज डिफिकल्ट टू पुश द स्मॉल पेपर बॉल इन साइड द बॉटल बाय ब्लोइंग। सो बच्चों ये स्मॉल पेपर का पीस जो हमने रखा था, इसको ब्लो करके बॉटल के अंदर में नहीं ले जाया जा सकता है। आप जितनी बार भी ट्राई करेंगे, ये जो पीस है पेपर का या बॉल है, वो क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर आ जाएगा। चलिए ऐसा क्यों हुआ उसको हम देख लेते हैं बच्चों। दिस इज बिकॉज द स्पीड ऑफ द विंड इज हायर एट द माउथ ऑफ द बॉटल, ठीक है ना बच्चों। क्या है, तो जो स्पीड है किसकी, एयर की, वो इस माउथ
के पास में, इस बॉटल के माउथ के पास में ज्यादा है, हायर स्पीड है, ओके हायर स्पीड है. सो क्या हुआ, देयर बाय द रिजल्टिंग इन रिड्यूसिंग एयर प्रेशर नियर द माउथ ऑफ द बॉटल. सो बच्चों क्या होता है, यहाँ पर जो है प्रेशर जो है क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है. देखिए स्पीड हाई है, ओके हाई स्पीड है बच्चों, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. एंड जब यहाँ का बच्चों प्रेशर रिड्यूस हो गया, तो अंदर की जो बॉटल का प्रेशर है कैसा होगा, हाई होगा. तब उसके साथ में क्या करेंगे बच्चों, ये जो है ये अंदर का प्रेशर इस बॉल को बाहर की तरफ पे पुश कर देगा, एंड दैट्स व्हाई ये जो बॉल है वो इसके नेक से बाहर निकल आती है, अंदर नहीं जाती है. अंडरस्टूड, चलिए ओके. हायर विंड स्पीड हैज लो प्रेशर एंड लो विंड स्पीड हैज हायर प्रेशर. तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हायर स्पीड है विंड की, तो वो क्या करेगी बच्चों, उसमें लो प्रेशर होगा. उसी के हिसाब से अगर उसका स्पीड जो है वो लो होगी, तो उसमें प्रेशर कैसा होगा, उसमें हाई प्रेशर होगा. ओके चलिए एक्टिविटी 8.3 भी देख लेते हैं. इस एक्टिविटी में बच्चों क्या करना है, आपको दो बलून लेना है, एक बलून में थोड़ा सा वाटर आपको एड कर देना है, ठीक है, और उन दोनों बलून को बच्चों क्या करना है, ब्लो करके इस तरीके से हैंग कर देना है किसी भी तरीके से स्टिक के ऊपर में. एंड नाउ उसके बीच में बच्चों आपको क्या करना है, जस्ट आपको ब्लो करना थोड़ा सा, इस तरीके से बलून है, इस तरीके से उसके बीच में आपको क्या करना है बच्चों, ब्लो करना है, थोड़ा सा जोर से ब्लो करना है. एंड आप देखेंगे बच्चों की जो बलून थे पहले कैसे थे, थोड़ा सा अपार्ट होते हैं, फिर क्या होता है बलून जो है एक दूसरे के इस तरीके से पास आने लगते हैं. ऐसे क्या होता है बच्चों, ऐसे पास आने लगते हैं. ऐसा क्यों हुआ, देखिए जब इसके बीच में हमने ब्लो किया बच्चों, यहां पर क्या किया हमने, यहां पर ब्लो किया, ठीक है, तो क्या हुआ यहां पर एयर की जो है स्पीड बढ़ी, एयर की स्पीड बढ़ी, दैट मीन बच्चों क्या हुआ, प्रेशर रिड्यूस हुआ, प्रेशर रिड्यूस हुआ. तो यहां का जो प्रेशर होता है एयर का, यहां का जो बच्चों प्रेशर होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो तो उतना का उतना ही रहता है, और ये जो प्रेशर है इन बलून्स को जो है प्रेशराइज करता है, भाई कि अब तुम आगे जाओ, ठीक है. इस वजह से ये दोनों बलून जो है वो एक दूसरे के पास में आ जाते हैं. चलिए एक्टिविटी 8.4 को भी यहां पर देखते हैं. एक्टिविटी 8.4 क्या कहती है, प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ पेपर बिटवीन योर लिप्स एंड फोर्सफुली ब्लो आउट एयर. बच्चों क्या करना है, आपको एक पेपर की स्ट्रिप लेना है जो अपने लिप्स के बीच में रखना, और फोर्सफुली आपको एयर जो है ब्लो करना है. ओके यू विल ऑब्जर्व दैट द पेपर स्ट्रिप मूव्स अपवर्ड्स. और आप देखेंगे बच्चों की जो पेपर की जो स्ट्रिप है क्या होती है बच्चों, वो ऊपर की तरफ उठती है, ना कि नीचे की तरफ में जाती है. चलिए इसको तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा सकता हूं, ठीक है. तो इस तरीके से बच्चों एक पेपर की स्ट्रिप ले लेंगे, ठीक है. अब इसको क्या करना है, आपने इस तरीके से लिप्स के नीचे रखिए या फिर मिड में रखिए, ठीक है. देखिए ये अभी नीचे है, अभी क्या होगा, देखा आपने कहा था पेपर की स्ट्रिप पहले नीचे थी ना, ऐसे देखिए नीचे है. अब जब मैं इसके ऊपर में एयर जो ब्लो करूंगा बच्चों, तो क्या होगी, ये ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगी. देखिए So, देखा बच्चों आपने, ये जो पेपर की स्ट्रिप है बच्चों किस तरीके से ऊपर की तरफ में उठ गई. अब इसमें होता क्या है बच्चों, देखिए जब हमने उसको पेपर की स्ट्रिप को जब हमने ऊपर से एयर ब्लो की, तो ऊपर का जो एयर गई वहां से स्पीड में, तो ऊपर का जो प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया. सो नीचे की एयर का जो प्रेशर है बच्चों इंक्रीज हो गया, दैट्स व्हाई उसने उस पेपर की स्ट्रिप को क्या किया, ऊपर की तरफ पुश कर दिया, जैसे कि यहां पर बलून में हुआ था, यही हमने यहां पर देखा. और सेम थिंग बच्चों यहां पर भी क्या हुआ था, इस बॉटल के अंदर में भी हुआ था, कि इसका जो प्रेशर था, इस प्रेशर अंदर ज्यादा हो गया था, इस प्रेशर ने उसको क्या कर दिया, धक्का दे दिया. आई एम स्टैंडिंग हियर इज इट, तो मेरे चारों तरफ में एयर है, तो एयर मेरे चारों तरफ से क्या कर रही, मुझ पर प्रेशर लगा रही, तो इस वजह से मैं आसानी से खड़ा हूं. मान लीजिए मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं क्लासरूम में फिलहाल मैं नहीं हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, तो मैं रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ, और मैं रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे जस्ट एकदम कॉर्नर पे खड़ा हूँ, ठीक है. अब वहां से बच्चों एकदम स्पीड से जो ट्रेन है जा रही है, ठीक है, एकदम स्पीड से जो ट्रेन निकलेगी, ठीक है, तो ट्रेन जब एकदम स्पीड से निकलेगी, तो उसके साथ में जो एयर होगी वो भी बहुत ही स्पीड में होगी. अब वो जब वो बहुत ही स्पीड में होगी, तो क्या होगा कि जो ट्रेन की तरफ का बच्चों जो प्रेशर होगा ना, प्रेशर वो क्या हो जाएगा, एकदम रिड्यूस हो जाएगा, और मेरे इस साइड का जो प्रेशर हो एकदम इंक्रीज हो जाएगा, एंड देन फिर क्या करेगा, इस साइड का प्रेशर मुझे प्रेशराइज करेगा, और जो ट्रेन के साथ में टकरा जाऊंगा, है ना. यही तो होता है जब हम राइडिंग कर रहे होते हैं बाइसिकल वगैरह, जब हमारे तरफ से काफी स्पीड से जब कोई व्हीकल जो है निकलता है, क्या हो जाता है, हम उससे दूर जाने के बदले हम उसकी तरफ खींच जाते हैं. ऐसा क्यों होता है बच्चों, ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जब हमारे साइड से, मान लीजिए राइट साइड से हमारे व्हीकल निकल रहा है, राइट साइड से जब व्हीकल निकलता है,
तो वो उसके साथ में काफी स्पीड से वो जो विंड भी है ब्लो कर रही होती है। जब विंड जो स्पीड में ब्लो कर रही होगी तो प्रेशर इधर का लो हो जाएगा और इधर का प्रेशर हाई हो जाएगा, तो ये जो एयर रहती है वो एयर ही हमको इस तरफ क्या करती है, प्रेशर धक्का दे देती है, जिसके वजह से हम उससे दूर जाने के बदले उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो इससे पता चलता है बच्चों की जो हाई स्पीड विंड होती है वो क्या करती है, वो प्रेशर रिड्यूस कर देती है, जबकि लो स्पीड वाली जो विंड होती है बच्चों वो प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर देती है। ये चीजें हम क्यों स्टडी कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि आगे हम जब स्टडी करने वाले नेक्स्ट आगे के टॉपिक्स तो उस पर ये चीजें यूजफुल होने वाली है हमको। चलिए जो हमारी भी कुछ एक्टिविटीज और बाकी है उन एक्टिविटीज को भी हम देख लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटीज क्या कहती हैं। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए बच्चों, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करिए और अपने से फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिए। चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 8.5 क्या कहती है। सो एक्टिविटी 8.5 के अंदर बच्चों हमको ये स्टडी करना है कि एयर एक्सपांड ऑन हीटिंग। तो भाई एयर को जब हम हीट करते हैं तो वो एक्सपांड होती है, इसी चीज को हम इस एक्टिविटी के अंदर में देखने वाले हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ओके, यू हैव सीन पीपल ग्लाइडिंग इन द एयर इन अ बास्केट टाइड टू अ बलून। सो आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि भाई वो एयर के अंदर में ग्लाइडिंग करते हैं, एक बलून होता है बड़ा सा, उसके नीचे एक बास्केट बांधा हुआ होता है, ऐसा मूवी वगैरह में आप लोग ज्यादातर देखते होंगे। ठीक है, तो क्या करता है बच्चों, वो बलून जो है वो ऊपर जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, ओके, दिस इज कॉल्ड हॉट एयर बलूनिंग। बच्चों इसको क्या कहा जाता है, इसको हॉट एयर बलूनिंग कहा जाता है। कुछ इस तरीके से दिखने में होता है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बच्चों बलून बांधा हुआ रहता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है बास्केट रहती है, लोग इसमें बैठते हैं लोग, और यहाँ पर जो है बच्चों उसको हीट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर पूरी सिस्टम रहती है, यहाँ से जो है वो फायर निकलती है जिससे कि वो पूरा हीट होता है। चलिए अब ये कैसे होता है बच्चों, इसको देखते हैं। A flame that heats up the air inside the balloon up to about 100 degree Celsius. बच्चों यहाँ पर क्या होता है, air इस balloon के अंदर में इस तरीके से सिस्टम होता है जिससे क्यों क्या होता है कि वो यहाँ से air जो है, air को क्या करता है, वो एकदम हीट करेगा। अब जब air को हीट करेगा बच्चों तो air जो है वो क्या होगी, वो expand होगी। ठीक है, और उसकी डेंसिटी क्या होगी बच्चों, उसकी डेंसिटी भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, एंड दैट्स व्हाई ये अंदर की एयर जो बच्चों कहाँ पर जाएगी, ऊपर जाएगी। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसके आसपास की जो एयर है बच्चों उसके पास में प्रेशर ज्यादा है। अब जब इसको हीट करेगी, इसकी डेंसिटी कम होगी, ये लाइट हो जाएगी, तब ये सब इसको प्रेशराइज करेंगे और प्रेशराइज करके बोलेंगे जा तू ऊपर जा। ठीक है, यहाँ देखिए कोई जरूरत नहीं रहेगी। व्हाई, बिकॉज इसके अंदर की जो बच्चों की एयर है उसकी डेंसिटी कम हो गई है और बाहर की जो एयर है उसकी डेंसिटी हाई हो चुकी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। This hot air expand as result of heating. ठीक है, तो यहाँ की air जैसे मैंने आपको बताया वो क्या हो गया बच्चों, वो अब expand हो चुकी है क्योंकि हमने यहाँ पर उसको क्या दिया है, यहाँ से उसको heating दी है। Okay, next point देखते हैं बच्चों। When air expand, its density reduces. तो मैंने अभी आपको कहा जब जैसे कि air जो है वो expand होती है बच्चों, expand होगी वैसे ही उसकी जो density है क्या हो जाएगी, वो reduce हो जाएगी। तो यहाँ की जो आसपास की जो एयर है उसकी डेंसिटी हाई होगी, एंड दैट्स व्हाई उसको क्या करेंगे, प्रेशराइज करेंगे और ये जो बलून है वो ऊपर की तरफ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। द एयर बलून थस बिकम लाइटर एंड लेस डेंस देन एयर आउटसाइड द बलून। ओके, सो मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पर ये जो बलून है इसके अंदर की जो एयर है वो लाइटर हो गई, उससे बलून भी लाइटर हो गया, आसपास की एयर जो है बच्चों कैसी डेंसर है और इस तरीके से बलून जो है ऊपर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। दिस मेक्स अ हॉट एयर बलून राइज अप, और इस वजह से बच्चों क्या होता है, ये जो हॉट एयर बलूनिंग है, बलून है क्या होता है, वो ऊपर की तरफ जाता है, एंड इससे कंक्लूजन क्या निकलता है। ओके, दस एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग, और इससे ये पता चलता है बच्चों कि एयर जो है वो एक्सपांड होती है जब उसको हम हीट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसी को हम एसी के अंदर में एक एक्टिविटी दी है उसके द्वारा समझते हैं। इस तरीके से आपको दो, यहाँ पर आपको कुछ भी ले सकते हैं, बीकर ले लीजिए जिसके अंदर में आप हॉट वाटर एक में डालेंगे, एक में कोल्ड वाटर। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर में हमने कोल्ड वाटर डाला है और यहाँ पर क्या हमने यहाँ पर हॉट वाटर डाला है। ठीक है, अब इसके ऊपर यहाँ पर क्या करना है बच्चों, बलून लगा देना है। यहाँ पर एक बलून लगाया और यहाँ पर बलून लगाया, इज इट। तो आप थोड़ी देर बाद ऑब्जर्वेशन करेंगे बच्चों, जिसके अंदर में कोल्ड वाटर है ना, वो क्या हो जाता है, ये जो बलून है बच्चों बिल्कुल भी फूटता नहीं है, उल्टा क्या हो जाता है, ये बलून जो है बच्चों क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। और यहां पर देखेंगे तो ये बलून जो है थोड़ा सा ब्लो हो जाएगा, थोड़ा सा फूल जाएगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हॉट वाटर है बच्चों को क्या करेगा, इसके अंदर में जो एयर है, इस पाइप के अंदर में एयर है, उसको हीटिंग देगा, एंड दैट्स व्हाई जब उसको हीट मिलेगी तो वो जो अंदर की एयर है वो क्या होगी, एक्सपांड होगी। एक्सपांड होने की वजह से बच्चों कहां पर जाएगी, इस बलून के अंदर में, और बलून के जो सरफेस है उस पर क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी, जिससे कि क्या होता है, ये बलून जो है आपको फुला हुआ मिलता है। चलिए अब इसी प्रकार से हम एक्टिविटी 8.6 को देखते हैं। एक्टिविटी 8.6 क्या कहती है बच्चों, आपको दो बैग इस तरीके से ले लेना है, ठीक है, दोनों बैग जो है पूरी खाली होनी चाहिए। अब चलिए इसको हम टाइप करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर एकदम राइट, आप वुडन जो है स्टिक ले सकते हैं या और कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप क्या लेंगे, एक पिन लगा देते हैं जिसके ऊपर उसको हैंग कर देते हैं। दोनों तरफ जो है बैलेंस एकदम इक्वल होना चाहिए और बैग की जो साइज है वो इक्वली होना चाहिए। इस बैग के अंदर में एयर है, ठीक है, इसको हमने बंद कर दिया है। अब क्या करते हैं बच्चों, इसको हम थोड़ा सा हीटिंग देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, कैंडल्स या किसी अदर उससे हम इसको हीट करते हैं। जब इसको हम हीट करते जाएंगे बच्चों तो क्या होगा, इसके अंदर की जो एयर है वो हीट होगी, हीट होगी बच्चों तो वो कैसी होगी, लाइट होगी, और वो एक्सपांड होगी। लाइट होगी तो क्या होगा कि इस साइड का जो है वो हैंगिंग किया हुआ वो क्या होगा, ऊपर की तरफ पे जाएगा, इस तरफ का जो है बच्चों क्या होगा, वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ में आएगा, या तो फिर वही का वही रहेगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस एक्टिविटी से भी बच्चों ये पता चलता है कि हम जब एयर को हीट करते हैं या फिर हीटिंग करने पर एयर जो है वो एक्सपांड होती है, और लाइटर होती है। लाइटर क्यों होती है, बिकॉज उसकी डेंसिटी जो है बच्चों वो डिक्रीज हो जाती है इसके वजह से। सो इससे ये भी पता चलता है बच्चों कि अगर कोल्ड एयर होगी तो कोल्ड एयर की जो डेंसिटी वो हाई होगी, जबकि हॉट एयर होगी उसकी डेंसिटी लो होगी, ठीक है। ये चीजें समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके जो आगे आने वाले जो टॉपिक है बच्चों वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसी के बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों क्या कहता है, द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन द प्रेशर ऑफ एयर एट डिफरेंट प्लेसेस। तो बच्चों की क्या होता है, जब जो मूवमेंट होती है एयर की, मूवमेंट एयर की क्यों होती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर जो होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है प्रेशर होता है। अब डिफरेंट टाइप का जो प्रेशर होगा वो क्या करेगा, वो एयर को मूवमेंट में लाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी देखा, ठीक है ना भाई, कि जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा उस हाई प्रेशर से कहां पर जाएगी, लो प्रेशर की तरफ में एयर जो है वो जाएगी। इज इट ओके, एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू रीजन ऑफ लो प्रेशर, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा, एयर हमेशा हाई प्रेशर से बच्चों हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में जाती है, ठीक है। अगर इधर का प्रेशर हाई हो गया तो इधर से कहां जाएगी, इस तरफ में जाएगी, क्योंकि इधर का प्रेशर लो होगा। सो ये इंडिकेट करता है बच्चों कि एयर को हीटिंग करने से बच्चों क्या होता है, एयर को हीटिंग करने से वो जो है उसका प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी लो हो जाती है और उसकी जो वो एक्सपांड हो जाती है। इज इट तो बच्चों आज का ये हमारा पहला लेक्चर जो था यहाँ पर फिनिश होता है। सारे एक्टिविटीज हमने इस लेक्चर के अंदर में कवर की है। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें बच्चों, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें बच्चों। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।